पटना एसपी ईस्ट प्रमोद कुमार यादव ने आज बाईपास थाना का औचक निरीक्षण किया, साथ ही लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। देखिए, थाना का निरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है जो कि वरीय पदाधिकारियों के द्वारा समय समय पर थाना के जो सिरिस्ता कार्य रहते हैं, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं और थाना के जो प्रतिदिन की जो कार्य करने की जो निर्देश रहते हैं या अपराध से संबंधित जो आंकड़े रहते हैं या जो कोई अपराध की घटना होती है, उनका समय समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनका समीक्षा की जाती है कि कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था के साथ साथ सारे अपराधी जो है ससमय जो है उसका जो है निस्तारण किया जा सके और सारे अपराधियों को अगर जो कुछ वारंट वगैरह जिनके खिलाफ निर्गत है या जो गिरफ्तारी सभी में दूर हैं या अन्य प्रकार की जो थाना और पुलिस की जो गतिविधियाँ क्रियाएँ हैं उसके जो है निरीक्षण के माध्यम से उसका एक तरीके से सुचारू ढंग से उसको पटरी पर रखा जा सकता है कि पदाधिकारी सारे लोग जो है समय अपना कार्य करें, कांड का निस्तारण करें और अन्य भी जो थाना में कार्य रहते हैं वही पदाधिकारियों के द्वारा समय समय पर इसका दिशा निर्देश के माध्यम से इसमें एक व्यवस्था बनी रहती है। तो इसी सब चीज़ों का जो है इंस्पेक्शन करने के लिए मैं थाना में आया था और यहाँ पर काफ़ी अच्छा थाना अध्यक्ष ने कार्य किया था। थाना सिरिस्ता जो डॉक्यूमेंट से कार्य था उन्होंने कंधारित किया था, जो छोटी मोटी अगर कमियां थी उसको दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ अपराध नियंत्रण के लिए जो है अब पेट्रोलिंग यानी जो गश्ती होती है दिवा और रात्रि की उसको सशक्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ में मद्य निषेध जो कि सबसे महत्वपूर्ण आजकल है और इसके लिए जो है थानाध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी पब्लिक अगर कोई सूचना देती है चाहे दिन या रात चाहे जब भी तो तत्काल जो है ऐसी सूचना पे जो है कार्रवाई करते हुए और शराब के अवैध कारोबार से संबंधित धंधेबाजों को गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करें। कौन कौन सा थाना निरीक्षण किया सर अभी? देखिए, ये एक पूरा साल भर की प्रक्रिया चलती रहती है, अलग अलग टाइम पर इसका टाइम टेबल निकलता है, वो समय समय पर किया जाता है। कई बार समय टाइम टेबल के अतिरिक्त भी जो है थाना का इंस्पेक्शन किया जाता है। अभी तक जो है लगभग सारे थाना का निरीक्षण किया जा चुका है, तो थाना का निरीक्षण बाकी है, वो भी समय जैसे मिलता है उसके अनुसार उसको कर लिया जाएगा। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।